नैनीताल के सिलौटी नौकुचिया ताल क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बाघ के हमले की घटनाओं ने दहशत फैला रखी थी, लेकिन वन विभाग की कोशिशों और स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत की खबर सामने आई है। वन विभाग ने बाघ को यहां पर ट्रैकुलाइज कर सुरक्षित पकड़ लिया है और बाघ को पिंजरे में कैद कर रेस्क्यू सेंटर भी भेज दिया है। इससे पहले से इलाके में एक 55 वर्षीय महिला को बाघ ने अपना निशाना बनाया था और इस घटना के बाद से वन विभाग अलर्ट मोड पर था और बाघ को पकड़ने के लिए लगातार अभियान भी चला रहा था। वन विभाग के अधिकारियों ने यह बताया कि घटनास्थल से मिले खून और बाल के नमूनों को जांच के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून भेजा गया है और जंगल में 20 कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। इससे पहले वन विभाग ने इसी इलाके में एक तेंदुए को भी पकड़ा था। स्थानीय निवासी भुवन भट्ट ने यह बताया था कि हम सभी इस बात से काफी खुश हैं कि बाघ को पकड़ लिया गया है। नैनीताल से तेज सिंह की खास रिपोर्ट। रात्रि वन विभाग और मेरे सहयोग से रात्रि में नरबक्षी बाघ को वन विभाग की टीम के साथ पकड़ा गया है, जिसका मैं तहे दिल से वन विभाग की पूरी समस्त टीम को इसका धन्यवाद देता हूँ, जिसने पिछले 25 नवम्बर को एक महिला को अपना शिकार बनाया था। आज उसी नरभक्षी बाघ को पिंजड़े में कैद कर लिया गया।